अपनी खोपड़ी बचानी जरूरी है। सही है ना, बहुत लंबा है फिर तो शेड्यूल तो लंबा है। हाँ अपना बच्चों की करते करते जो आज का कैमरामैन मैं हूँ। हेलो भाइयों, कैसे हो सारे, उम्मीद करता हूँ ठीक होगे। ललित फिटनेस एक्स में आपका स्वागत है। तो भाई आज अपना शूट कर रहे हैं गोप्रो से, ठीक है, और यू रिश्तेदार को गोप्रो अपना, तो भाई पूरा सेटअप है बढ़िया वाला, और रिश्तेदार ने अपना यो हेलमेट पे पहनने को लिया क्योंकि हमारे रिश्तेदार जो क्रिकेट को बहुत बड़ा शौकीन है, ठीक है। तो भाई मैंने कह लिया छोटी सी चीज़ लेके चले आज जिम में और अपना ब्लॉग शूट कर लेंगे, ठीक है। तो अपना भाई जिम को निकल गए, रिश्तेदार से कैमरा उठा के कुछ सामान पकड़ा गए। तो भाई यह टाइम तो यार जाम बहुत रह गया है रोड पे, क्योंकि ये ऑफिस का जो है ऑफिस टाइमिंग है छुट्टी का, और जाम बहुत मिलेगा भाई रोड पे। बट अपनी जो है जिम अपने घर के पास है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता भाई अपने को। तो आप पहले भी व्लॉग में देख चुके होंगे कौन सी जिम है अपनी, एनी टाइम फिटनेस सेक्टर 74। तो भाई अपना देख सकते हो यार ट्रैफिक कितना लगा हुआ है यार, और ये घर से निकलते ही है, ठीक है ना। और जिम के लिए ऑलरेडी मैं लेट हूँ, टाइम देख सकते हो भाई कितना हो रहा है। भाई जिम भी करनी जरूरी है, लाइट जला लेते हैं थोड़ी सी पहले, माना गोप्रो है रिश्तेदार को। और भाई अपनी खोपड़ी बचानी जरूरी है, खोपड़ी पे ज़्यादा बाल तो रहे ना, थोड़े बहुत ही हैं। अरे ना देख लो एलिफेंट जा रहे हैं भाई रोड पे क्रॉस करते हुए, ठीक है। और अब मिलते हैं भाई अपना जिम में, ठीक है, डायरेक्ट पहुँचते हैं भाई, पहले ट्रैफिक क्लियर करते हुए निकलते हैं। चलो मिलते हैं भाई जिम के अंदर। जगह ना है गाड़ी खड़ी करने को कहीं भी, बाइक वाइक पर आज कहा है भाई, आज ऐसे ऐसा दिन कहा है, आज आज पार्किंग ना मिली आज के जिम में है? आज कुछ है, आज हमारो हर्ष ना आया, हर्ष पता ना कहाँ का आया, एक भाई मिसिंग है आज, एक भाई अपना मिसिंग है। पहले वो आ जाओ जिम में टटोलेंगे, देखेंगे आयो ना आयो, फिर वो आप कॉल करेंगे, अभी कॉल करी है तो भाई फोन जा रहा हो सोचो कत ही, तो इसको मतलब कहीं गड़बड़ी में है वो। तो मिलेंगे भाई डायरेक्ट ऊपर जिम में भाई, अपना प्री वर्कआउट लेंगे, यू अपना कुछ बैग, अपना नेचुरल डाइट है, अपने सप्लीमेंट वगैरह है, कुछ मल्टी विटामिन वगैरह, ये है अपनी प्री वर्कआउट भाई, ठीक है। ले भाई निकाल ले कितने पाउच लेगा। एक बहुत है, एक बहुत है, एक मेरे लिए निकाल ले, दो निकाल ले फिर, सीधा ही फट गया, ऐसे ले लो। हाँ हाँ उसे ले ले। तो भाई अपना देसी जुगाड़ लाना पड़े हैं, स्टील को गिलास गिर रखो बैग में, अपने मांजेंगे और अपने पियेंगे, ठीक है। ले भाई मांज लीजिए आप। अच्छा ऐसे ही पिएगा, चल ऐसे ही पी ले, कोई दिक्कत ना। तो भाई आज है अपना पुश डे, ठीक है। तो पुश डे है अपना, अपना चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप्स, तीनों एक्सरसाइज मतलब तीनों जो पार्ट है अपने उनकी रेगुलर एक्सरसाइज अपना करेंगे, ठीक है। बाकी दिखाते हैं भाई फ्लोर पे, पहले अपना पी लेते हैं प्री वर्कआउट। एक रुपए वाला पाउच, एक रुपए ही, एक रुपए ही, एक रुपए। तो भाई अपने पंडित जी क्या हाल है, बहुत दिनों बाद एक छोटे से कैमरे के साथ मिक्स मार रहा हूँ, मिक्स मार रहे हो। नींद खुल गई भाई शादी के बाद, भाई के साथ भाई की शादी में बिजी चल रहे थे भाई, है ना, तो अब नींद खुली है भाई की, पता लग रहा होगा। तो भाई थकावट तो हो ही जाती है, आज मार रहे मिक्स, तो अपना तो परसों से चालू, परसों से चालू, कौन सी वाली जिम में, इसी में ही, पब्लिक 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 जो है ना बेसब्री से इंतजार कर रही है क्या पंडित जी कब दर्शन दे रहे, कौन सी जिम में दर्शन देंगे। हाँ अब ये पता नहीं भाई, एनी टाइम बहुत सारी हो रही है आसपास करी, कभी भी किंगे को भी चले जाओ, हफ्ते में एक दो बार नजर आवे बस, फिर नजर ना आते तो आ रहे नजर, तो आ रहे। तो चलो भाई सोलो नजर है, सोलो आ रहे हैं, सोलो आए हैं, सोलो आए हो, क्या बात है।
अरे वो ना अपना गुजर नहीं नहीं गुजर तो रोज दो दिन से नजर आ रहा है। गुजर चला गया पढ़ाई करने। अच्छा पढ़ाई करने कहाँ चला गया? घर ही पढ़ेगा कह रहा। घर पढ़ूंगा तो मैं जल्दी जिम मार ली उसने 3:30 बजे। ओ तो चलो भाई कोई ना, तो मारो जी करें पंडित जी करें मिक्स और हम करेंगे चेस्ट शोल्डर और ट्राइसेप्स। सही है ना? बहुत लंबा है फिर तो शेड्यूल तो लंबा है। हाँ। ये अपने नौशाद भाई, नौशाद भाई जी अकेले घूम रहा है, टाइमिंग चेंज कर दिया इसने अपना जिम आने का। वर्कआउट नहीं कर रहा है ये, कुछ और करने आ रहे हैं आजकल। तो आज कौन सा वर्कआउट कर रहे हो? काफ दिखाओ। काफ भाई एंड टाइम वाले कुछ के कुछ बकते रहे, पता ना कहाँ करवाएंगे अब एक्सरसाइज। मैं ले जाऊँ अगर एक्सरसाइज कर रहे छोटे छोटे तो भाई ऐप देखो, मैं ऐप चेक कर लूँ भाई की। अपना वर्कआउट शुरू कर लो यार। मैंने जो ना कॉफ़ी पी रखी इसलिए मैंने 10-5 मिनट अपना बच्चों की काट लूँ लोन। तो अपना वर्कआउट मैं आज जल्दी आ गया था। मैं आज जल्दी आ गया था। चेस्ट का वर्कआउट चल रहा है अभी अपना आशीष भाई गैल। ठीक है तो अभी 3 एक्सरसाइज हुई है चेस्ट की, इंक्लाइन बेंच प्रेस विद डंबल और फ्लाई विद डंबल इंक्लाइन और बेंच प्रेस विद डंबल। ठीक है तो भाई अपना बच्चों की करते करते आज का कैमरामैन मैं हूँ। आज का कैमरामैन है भाई मेरा आशीष और अपना का। अब करेंगे केबल मशीन पे केबल फ्लाई। ठीक है तो चेस्ट की एक्सरसाइज और चेस्ट की फ्लाई करेंगे केबल मशीन पर। और भाई कर रहा हूँ अभी शोल्डर बाय। आवाज़ ना आ रही। मोसेर मार रहा ट्राइसेप्स भाई, देसी है भाई देसी। तो भाई रिकॉर्डिंग होगी मोसेर ना। हाँ एक बार हेलो कर दे। हेलो तो भाई चेस्ट के एक्सरसाइज हो चुके अपने खत्म कैमरामैन आशीष के साथ। तो भाई कैमरामैन आशीष के साथ चेस्ट के एक्सरसाइज चेस्ट का वर्कआउट हो चुका खत्म। अब तो आ गए भाई पंप चेस्ट पे और अभी शोल्डर वर्कआउट करेंगे अभी। ठीक है शोल्डर वर्कआउट में क्या क्या कौन कौन सा वर्कआउट करना चाहिए भाई आशीष चल बता। लैटरल तो जरूर करना चाहिए बिट के लिए। हाँ और मास के लिए, मास बढ़ाने के लिए। हाँ शोल्डर प्रेस जय, ये दो तो बिल्कुल जय बात ये होनी चाहिए। शोल्डर प्रेस लैटरल रेज और अपना एक्स्ट्रा में जो कुछ भी चाहो आप बेंट ओवर रेसिस भी कहते हैं ना वो जो लोड करके करें बैक रियर डेल्ट को जो कह रहे हैं भाई। ठीक है बाकी कोई दिक्कत ना, अपने पहले मारेंगे शोल्डर प्रेस फिर लेंगे अपने लेटरल लेज और फिर लेंगे अपना क्या लेंगे बता, 50 फ्रंट रेचेज ले लेंगे या फिर अपराइट रोल ले लेंगे। इन दो दो एक्सरसाइज में से एक एक्सरसाइज ले लेंगे। ठीक है करते हैं अपना शोल्डर का वर्कआउट शुरू। तो भाई अपना शोल्डर का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। शोल्डर प्रेस ठीक है शोल्डर प्रेस मशीन पे ठीक है और अपना लेटरल रेज और फ्रंट रेज और रिवर्स केबल फ्लाई आपने देख लिया होगा वर्कआउट में।
अब करेंगे अपने ट्राइसेप्स का वर्कआउट और अपने कैमरामैन आशीष के साथ। कहाँ है आशीष? ये रहा कैमरामैन आशीष, प्लेट को घुमा रहा है भाई सिर के ऊपर से। कौन? मैं? हाँ, आज कह रहा होगा परेशान कर दिया। मैं तो मन करता है बनाने वीडियो, बढ़िया लगता है मुझे वीडियो बनाने। मुझे इन चीज़ों कैमरा वगैरह ले रहा है। कौन सा कैमरा तेरे पास? कैनन। क्या बात है, खराब हो गया। अभी अभी मिलते हैं फिर दो ढाई बजे के आसपास ना, हम लोग वर्कआउट साथ में करेंगे। तो भाई अपना जिम बड़ी मिल गया, एक और है, एक हर्ष भाटी और है हमारा। आज भाई मिसिंग है, आज भाई मिसिंग है। याद आ रही है भाई की, बहुत ज़्यादा। और आज गर्मी बहुत है भाई जिम में, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है जिम। तो आज भाई गर्मी क्यों ना बढ़ेगी। आज तो भाई आज तो भाई संडे है तेरा भाई, तो गर्मी तो बढ़ के रहेगी जिम में। तो भाई आप तो सारा भाई कर रहा है जिम कर रहा है सैंडो में, तुम्हारा भाई कर रहा है भाई जिम सैंडो में, ठीक है। तो भाई हुआ तुम्हारे भाई की अभी कंडीशन, ठीक है, फैट जा तो रहा है धीरे धीरे, और ये दो अल दो चार, ठीक है, और अभी वो बॉडी में जो ना वाटर होल्ड है अभी, ये देख सकते हो बहुत अभी वाटर होल्ड, तो जाएगा धीरे धीरे। और अपना वर्कआउट होता है फिनिश, वर्कआउट होता है अपना ख़त्म। तो मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, टिल देन बाय बाय बाय। तो भाई कपड़ों में ऐसी नज़र आती है तुम्हारे भाई की बॉडी, यानी कि थोड़ी लीन। अब कहना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है कि वेट जो है कम हो रहा है बॉडी का, और साइज अपना देख सकते हो, साइज अपना वहीं का वहीं है। तो ये कैसे है, क्यों है? तो भाई थोड़ा कार्ब अपना खाते रहो, राइस वगैरह कार्ब अपना लेते रहो, तो साइज अपना मेंटेन रहेगा और फैट लॉस जर्नी आपकी आगे चलती जाएगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय। और जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आपका भाई आपके लिए लाता रहेगा। थैंक यू सो मच।